अपराधियों की कोई जगह नहीं। योगी की रफ्तार से पूरा सिस्टम कांप रहा है। मानो अपराधियों भ्रष्टाचारियों के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिडन कमांडोज छोड़ रखे हैं। एक तरफ ट्वीट मिलते ही पुलिस हरकत में आई है। योगी के एक्शन से प्रशासन चौकन्ना, मंत्री से लेकर विधायक तक एक्शन में। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। ये लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दे जाएंगे। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। लेफ्ट साइड देख, सामने 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 देख। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त, अन्याय मुक्त, अत्याचार मुक्त, भय मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए कानून का राज स्थापित करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। सरकार का नारा है जनता से सद्व्यवहार, अपराधियों पर प्रहार। सरकार बनाने के बाद संगठित अपराध, दुर्दांत एवं इनामी अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 430 मुठभेड़ों में 17 दुर्दांत अपराधी मारे गए तथा 868 इनामी अपराधी सहित कुल 1106 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इन मुठभेड़ों में हमारे 2 वीर पुलिसकर्मी शहीद हुए तथा 88 अन्य घायल हुए। इसी कड़ी में 54 अपराधियों के विरुद्ध NSA, 1145 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एवं 9973 के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। अपराधियों की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत 85 अपराधियों की कुल 102 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त की गई। यूपी पुलिस काम पर। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से मंचलों की शामत आई है। मंचले मजनुओं की अब खैर नहीं। महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ एवं अभद्रता करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए एंटी रोमियो अभियान चलाया गया। दिनांक 22/3/2017 से अब तक 4,80,000 सार्वजनिक स्थानों एवं 15,30,000 व्यक्तियों को चेक किया गया एवं ऐसे तत्वों के विरुद्ध 1,103 अभियोग पंजीकृत कराए गए। 2,099 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कराई गई तथा 6,45,392 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई। पहले दिन चार्ज लेने के बाद हमारा मंत्रिपरिषद बैठा था। हम लोगों ने प्रशासन से जाना चाहा कि भाई ये NGT और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए हैं, क्या है सर, क्यों इसमें कार्रवाई नहीं हो रही। कहा साहब ये कभी नहीं हो सकता है। हमने कहा जो कभी नहीं हुआ वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं। कानून का राज स्थापित करने एवं न्याय को जन सुलभ बनाने की दिशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट का 100% पंजीकरण कराया जा रहा है। अवैध एवं जहरीली शराब की रोकथाम हेतु 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 12,956 अभियोग पंजीकृत करते हुए 784 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 2,96,127 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। अपराधी को मृत्यु दंड देने का प्रावधान किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। संगठित अपराध एवं आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए गठित STF एवं ATS की कार्यक्षमता एवं दक्षता में वृद्धि हेतु इनमें प्रशिक्षित कमांडो दस्ता सहित अतिरिक्त जनशक्ति एवं अन्य संसाधनों में वृद्धि का निर्णय लेकर इसका कार्यान्वयन कराया जा रहा है। आपातकालीन सेवाओं को एक पटल पर लाने के लिए 108 एम्बुलेंस एवं 101 अग्निशमन सेवा का UP 100 के साथ एकीकरण कर दिया गया है। इसका रिस्पांस टाइम लगभग 20 मिनट है और अधिक तीव्र करने के लिए वाहनों के बेड़े में 1,600 दो पहिया वाहनों की वृद्धि की जा रही है। इस सेवा के अंतर्गत प्रतिदिन औसतन 13,000 घटनाएं रिपोर्ट की जा रही हैं, जिनमें से PRV वाहनों द्वारा औसतन 85% का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है।
प्रदेश में यातायात को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए हेलमेट एवं सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा मानकों का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। दैवीय आपदाओं के साथ साथ मानव जनित दुर्घटनाओं के दौरान राहत बचाव एवं पुनर्वसन के कार्य की गति एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु NDRF की तर्ज पर गठित SDRF के सृजन का कार्य जोरों पर है। पुलिस बल में आरक्षियों की कमी को पूरा करने के लिए शीघ्र ही 42,000 आरक्षियों की भर्ती, इसमें महिलाओं के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था है। विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद पुलिस बल की कड़ी चौकसी एवं बेहतर प्रबंध के फलस्वरूप ये यात्राएं शांतिमय रूप से संपन्न हुई। इसके साथ ही त्योहार भी तनाव रहित एवं उल्लासमय वातावरण में संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज लाएंगे, क्योंकि हमें विकास करना है, उत्तर प्रदेश में सुशासन लाना है, तो कानून का राज उसकी प्राथमिक गारंटी है और कानून का राज प्रदेश के अंदर होगा।